जब हमारे बाल झड़ना चालू होता है तो सबसे पहले हम अपने बालों को छोटा कर देते हैं, और छोटा करने के बाद फिर भी हमारे जब हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होता है तो हम हेड शेव करना चालू कर देते हैं और ये अज्यूम करते हैं कि हमारे बालों का झड़ना कम हो गया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। मैं कहां था, कई सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं भाई व्हाट्सएप पे, कहां गायब हो गए भैया, कहां हो गए गायब। तो बेसिकली सिचुएशन ये है कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने जो है एक मोटरसाइकिल खरीदा था आज से एक डेढ़ महीने पहले, तो मैं ऑलमोस्ट उसी से ही राइड कर रहा था। मैं सिर्फ और सिर्फ घूम रहा था, पूरे एमपी में घूमता रहा। ऑलमोस्ट एक महीने के अंदर मैंने 3000 किलोमीटर की राइड कंप्लीट की है और उसी में मैं इंजॉय करता रहा। आप में से ज़्यादातर लोग यही जानते हो कि मैं यूट्यूब, मेरा पैशन, मैं यूट्यूब को बहुत जब मैं बिल्कुल टीनेज में था तब से मैं यूट्यूब को कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ मेरी को बाइक राइडिंग या फिर घूमना फिरना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है ना। मैं जब छोटा था बहुत ज़्यादा, तो मैं साइकिल से 20-20 किलोमीटर जो है ना, फिशिंग का भी शौक था तो मैं फिशिंग करने चला जाता था उस टाइम पे। तो खैर, मैं पिछले 2-3 हफ्तों से जो है मैं सिर्फ बाइक से घूम ही घूम रहा हूँ। तो सिचुएशन ये है कि सवाल ये उठता है कि भाई बाल जो है ना मैंने छोटे क्यों कर लिए हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को ये था कि भाई बाल बड़े करो और बड़े करो और बड़े करो, ये सारी चीज़ें हैं। मैं मेन कम्युनिटी टैब में भी मैंने ये चीज़ पूछा तो कुछ 25-26% लोगों ने यही बोला है कि भाई बड़े करो, बाकी लोगों ने बोला हाँ भाई छोटे कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहूँगा कि जैसा कि हमको पता ही है कि हाँ जब बाल झड़ना चालू हो जाता है तो सबसे पहला जो रिएक्शन होता है हमारा कि बालों को छोटा कर लो। मीन्स हमको पता है कि बालों को छोटा करने से जो हैंडलिंग होती है बालों की वो कम से कम हो जाती है, जिससे कि बालों का झड़ना रुकता है। इंटरनली कोई फर्क नहीं पड़ता बालों को छोटा करने से या हेड शेव करने से, बट बड़े बाल रहेंगे तो आप बार बार उसको समेटोगे, ये करोगे, और उससे बालों की हैंडलिंग होती है, डेफिनेटली उससे हेयरफॉल बढ़ता है। आपके बाल झड़े हैं दैट मीन्स आपके शरीर में कुछ ना कुछ कमजोरी थी। तो आप अगर ट्रांसप्लांट भी करा लेते हो तो भी वो कमजोरी आपके शरीर में मौजूद है, ठीक है ना। आप अगर उस पर काम करो देन इट्स गुड, आपका हेयरफॉल कंट्रोल है तो देन इट्स गुड, बट वो शरीर में कमजोरी है हमारे अंदर। तो जब बाल वापस आए हैं स्कैल्प के ऊपर, तो पर्सनली मैं अपना बस एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये मैं सबके थोप नहीं रहा हूँ अपना ओपिनियन। मेरा शुरू से यही था कि भाई सर पे बस बाल आ जाए, बस ये दिखे बस के बाल हैं, ठीक है ना। मुझे पता था मैं छोटे बालों में अच्छा लगता हूँ, मैं गंजे भी अच्छा लगता हूँ, ठीक है। तो मुझे बस ये था कि सर पे बस बाल आ जाए, बस ये मुझे ज़्यादा बड़े नहीं करने थे। और क्योंकि YouTube पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ इसीलिए मुझे बालों को बढ़ना बड़ा करना एक मेरे लिए एक मजबूरी होती जा रही थी समय के साथ साथ। तो फिर मैंने फाइनली यही डिसीजन लिया कि भाई, क्योंकि अगर लॉन्ग लास्टिंग देखो कि मैंने जहाँ से शुरुआत किया था अपने YouTube करियर का हेयर ट्रांसप्लांटेशन के फील्ड में, कि भाई मैं अपने बाल सिर्फ सर पर बाल आ जाएँ, तो मैं क्योंकि उसकी हैंडलिंग करना इजी होता है, उसमें आप डर वाला ईजिली चला सकते हो, आप मिनोक्सिडिल लगा सकते हो, ठीक है ना, और हैंडलिंग ज़्यादा नहीं होगी तो वो टूटेगा भी नहीं। उसी के साथ साथ जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं पिछले 15-20 दिन से जो है ना सिर्फ मोटरसाइकिल पे घूम ही घूम रहा हूं, तो उसमें क्या हुआ था, मैंने एक नया हेलमेट खरीदा था जिसमें जो है मैं अपने सर को डालता था, तो मेरा हेड साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो एक्सल साइज़ का हेलमेट था, उसके बावजूद भी मेरे बाल उसमें टूट रहे थे बहुत ज़्यादा, बहुत है मतलब कंजेस्टेड मुझे लग रहा था। तो मैं सोचा था कि चलो ठीक है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन ये हो नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा टफ जा रहा था। फिर मैंने फाइनली क्या किया, हेलमेट के अंदर एक फुटबॉल डाल के जो है उसमें हवा भर के 2-2, 3-3, 4-4 दिन रख दिया, उससे काफ़ी फ़ायदा मिला। अंदर का जो कुशन है वो दब गया, लेकिन उससे उतना काम नहीं हुआ कि भाई बाल जो है झड़ना कम हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बेसिकली बड़े बालों के कारण हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा टफ होती जा रही थी मेरे केस में, इसीलिए जो है ना बालों को मैंने ट्रिम कर दिया। मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगा कि भाई प्लीज़ देखो, बाल बड़ी मुश्किल में आपके सर में आए हैं तो उतने ही बड़े करो जितने में आपका लुक ठीक ठाक दिखे। ज़्यादा बड़े करने के चक्कर में, शोबाजी के चक्कर में मत रहो, ठीक है ना। आपका छोटा ग्रेड हो तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी 3rd-4th ग्रेड के ऊपर भी हो तो छोटे से छोटा ही रखो तो ज़्यादा बेहतर होगा। पर्सनालिटी के दूसरे एक्सपेक्ट पर काम करो, अपनी बॉडी पर काम करो, अपने नॉलेज पर काम करो। सिर्फ बालों से ही आपको लगता है कि लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा, डेफिनेटली नॉट। नौकरी वोकरी तो मिलेगी भी नहीं, लड़की भी नहीं मिलेगी बालों से भी। गंजे लोग अच्छी अच्छी लड़कियाँ, सुंदर लड़की लेके घूम रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पर्सनालिटी, पर्सोना एंड करिज्मा एंड सोशल स्टेटस एंड ऑफकोर्स मनी। ये सारी चीज़ें को इग्नोर मत करो लाइफ में और इंजॉय करो। जैसे कि मैं ये मतलब बेसिकली मेरे लिए एक मजबूरी हो गई थी यूट्यूब के, मैंने बालों को बड़ा ही करना है क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ। अभी मैं छोटा करूँगा कि देखो, अब मैंने पहले एक छोटा किया हुआ था, उसके बाद लोगों ने बोलना चालू कर दिया, फाइबर लगाता है, फिर जब बड़ा करके आप देख सकते हो इतना अच्छा रिजल्ट आया, फिर चौंक गए लोग कि हाँ भाई बहुत अच्छा तेरा रिजल्ट आया। अगेन इसकी हैंडलिंग, बड़े बालों की हैंडलिंग करना एक एक्सटर्नल फैक्टर्स उसमें लगता है और उससे हेयरफॉल होने के चांसेस रहते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है बालों को उतना ही बड़ा करो जितना जो है आप उसको हैंडलिंग कम से कम हो,
मैं तो यही बोलूंगा, मैं इस जो आपको दिख रहा है मैं शायद इससे भी छोटा कर दूंगा अपने बालों को, क्योंकि सर पे डॉट 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 दिखे सिर्फ जैसे माइक्रो पिगमेंटेशन में होता है, स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन में, वैसा भी मैं करने का सोचा। अभी तो मैंने ट्रायल पे ये रखा हुआ है छोटा सा, मैंने छोटे बाल, मैं इससे भी छोटा करने का सोचा हुआ हूँ, ठीक है। अगर आगे सूट होता तो मैं वैसा भी कर दूंगा। कहने का आशय मेरा यही है कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हेयर ट्रांसप्लांटेशन से रखना बहुत ही ज़रूरी है। झबरे नहीं हो जाओगे हेयर ट्रांसप्लांटेशन में। हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक आपको सेकंड चांस देता है, आप मीन्स आपको लगता है कहीं पे थोड़ा सा खाली हुआ है तो वहाँ पे आप भरवा लो बाल, मतलब एक लॉन्ग टर्म का सोच के चलो, ठीक है ना। आपको लगता है थोड़ी सी हेयर लाइन रिसीडिंग हुई है लेकिन आपको लगता है कि चल रहा है काम, बाल थोड़े से सामने गिरे हुए हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए मत जाओ। अभी उम्र अगर कम है बहुत ज़्यादा तो मत जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है ना। मीन्स आप ये माइंडसेट लेके मत चलो कि बस हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया सब कुछ जिंदगी में यू नो पिंक पिंक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैलकुलेटिव तरीके से आपको चलना पड़ेगा हेयर ट्रांसप्लांटेशन में, जैसा कि मैं चल रहा हूँ कि ट्रांसप्लांट, ये आप देख रहे हो जो ना फ्रंट के जो ट्रांसप्लांटेड बाल हैं, ये मैं ऑलमोस्ट 4 साल होने को आ गया, 2017 में मैंने छोटा सा सर्जरी लिया था, वो बाल हैं जो फ्रंट में आपको दिख रहा है, और ऑलमोस्ट 4 साल होने को आ गए हैं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ, ना मैंने PRP लिया है आज तक, ना मैंने कोई DHT ब्लॉकर फिनेस्टेड ट्रेस्टेड कुछ भी नहीं लिया है आज तक। डर्मारोला मिनोक्सिल में कभी कभी करता हूँ, मल्टीविटामिन लिया है बीच बीच में, ठीक है, उसके बावजूद भी मेरा कितना शानदार मेरा रिजल्ट अभी भी है, ठीक है ना। उसका कारण यही है कि मैं यू नो आपने देखा होगा वीडियोज़ में भी, मैं बालों को बड़ा बहुत कम करता हूँ, जल्दी थोड़ा सा बड़ा हो मैं छोटा कर लेता हूँ। रीज़न यही है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो यू नो अप्लाई होते हैं आपके बड़े बालों में वो मैं अप्लाई होने नहीं देता हूँ, ठीक है। अब आपकी लाइफ में अगर आपका लाइफ बहुत ही यू नो प्लेजेंट लाइफस्टाइल है, आप AC में बैठते हो, ऑफिस में बैठते हो, ठीक है ना, ग्रेड छोटा है और आपको लगता है कि आपका हेयर फॉल कंट्रोल है बड़े वालों में भी, देन यू कैन गो फॉर लॉन्ग हेयर्स इन हेयर ट्रांसप्लांटेशन ऑल्सो। बट थोड़ा भी आपको ऐसा लगता है अनइजीनेस लग रहा है, थोड़ा बहुत ही हाथ फेरो बाल आ रहा है और पसीना आ रहा है, इस टाइप की लाइफस्टाइल है थोड़ा भी, तो मैं यही बोलूँगा कि उतना ही बड़ा करो अपने ट्रांसप्लांटेड हेयर्स को जितना आप कैरी कर सको और आपका लुक जो है वो ठीक ठाक दिखे, तो इससे आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर्स की लाइफ डेफिनेटली बढ़ने ही वाली है। तो यही मेरे को आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करना था हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। कुछ भी आप जानना चाहते हैं मेक श्योर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मैंने जो है एक मोटो ब्लॉगिंग का चैनल बनाया हुआ है, डेफिनेटली उस पर मैं कुछ अच्छे अच्छे वीडियोज़ डालने की कोशिश करूँगा, तो वो भी मैंने पिन कमेंट में दे दिया है, मेक श्योर आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।